उसको बोल दिया भाई दूसरी बना के आपको दे, सेम ऐसी बना के, सेम ऐसी बना के दे दे, लेकिन वो मानता नहीं। ये दुकान शॉप लगाई ना 36-37 साल, आपने ये लगाई 37-38 साल पुरानी पेंटिंग है। शॉप है जो लेदर के, यहाँ पे बैग्स वगैरह काफी सारे अवेलेबल है। ऊपर छोटी सी एक ये देखो मार्बल से आर्ट बनाई हुई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। यू आर वाचिंग शुभम बाबा एंड आज हम आए हुए हैं पुष्कर, जो कि अजमेर में है। अजमेर से 14 किलोमीटर है और यहाँ पे लेदर का मार्केट ये देख रहे हो मेरे, मतलब मैं उसके शॉप के सामने खड़ा हूँ। और अभी हमें घाट के पास में पुष्कर मंदिर यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में, और इसके जस्ट बगल में मैंने यहाँ पे होटल ले रखा है। तो ये वाली शूज शॉप है जो लेदर की, यहाँ पे बैग्स वगैरह काफ़ी सारे अवेलेबल है। लेदर शूज की शॉप की मैंने वीडियो बनाई थी जयपुर में भी, और हम आने वाले टाइम में अहमदाबाद भी जाने वाले हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी कवर करेंगे। तो ये चेकआउट कर रहे हो आप मेरे पीछे, बाकी यहाँ पे ऑनर से पूछेंगे इनके से कि भाई क्या रेट वेट में दे रहे हो यहाँ पे। वैसे राजस्थानी स्टाइल में ये जूतियाँ बड़ी चलती है ये इस टाइप की, तो कुछ इस तरीके का अपन यहाँ पे देखने को, अपन को देखने को मिल रहा है। ये चेकआउट करो आप, बाकी काफ़ी सारी वैरायटी है गर्ल्स में भी राजस्थानी स्टाइल में, ये सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी भैया से रेट वगैरह पूछते हैं, अभी कुछ कस्टमर है देन कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम ये इनका प्राइस पूछते हैं, इन्होंने ये दिखाइए मेरे को सबसे पहले जो भी गर्ल्स स्टॉक में है क्या चीज़ है भैया। सर ये ट्रेडिशनल आइटम है, पूरा हैंडवर्क है, ये सब यहाँ बनता है हमारे पुष्कर में, लोकल छोटे छोटे गाँव में कारीगर लोग बनाते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ की स्पेशलिटी है ये, इसका स्टार्टिंग रेट जैसे 250 से स्टार्ट होता है, उसके बाद में आप इस तरह की क्वालिटी लो, इसके अगर बढ़िया में लो तो 350, 400, 500, कम वाली ले दो 150, 200, जैसी क्वालिटी लो वैसा माल है। स्टार्टिंग रेट 250 रुपये, 250 से मतलब जैसे जैसे क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी उस हिसाब से पैसा रेट बढ़ता जाएगा। और इसमें जैसे ये गर्ल्स में, गर्ल्स में भी बहुत आइटम आते हैं, ये तो केवल एक आपको सैंपल के तौर पर दिखाया है, इसमें बहुत हज़ार तरह की और वेराइटी आती है, बैग ओपन आती है, बैग क्लोज आती है, बैग क्लोज में आती है। इसको लखनऊ जूती बोलते हैं, इसको नवाबी जूती बोलते हैं, ये नवाबी है, ये लखनऊ है, इसमें एक ये अनार कड़ी आती है, यहाँ के फेमस फेमस जूतियाँ हैं, इनका नाम है ये जूतियों का, जिस नाम से आप चाहो उस नाम से जूती मिलती है यहाँ पे। भाई अनारकली वाला आइटम दिखाओ या लखनऊ वाला आइटम दिखाओ या नवाबी वाला आइटम दिखाओ, हर प्रकार से हर आइटम मिलेगा। इसमें जेंट्स आइटम भी बनते हैं, जेंट्स की बहुत जूतियाँ मिलती है ट्रेडिशनल, जेंट्स में जूतियाँ दिखाओ, जेंट्स में जैसे ये ट्रेडिशनल वर्क में है, पूरा हाथ का काम किया हुआ है इसमें, ये वाटरप्रूफ जूती रहती है, पानी वानी में वॉशेबल होती है, ये वर्क ख़राब नहीं होता है, ये 500 की पड़ती है जूती अपने को। और इसमें जैसे आपको अगर और हैवी में चाहिए तो ये उसे हैवी में आती है, ये पूरी कैमल लेदर में आती है, इसमें नीचे स्टिचिंग आता है, ऊपर ये पूरा हैंडवर्क आता है, ये जैसे पानी में भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसको पानी में भी दिक्कत नहीं होती है, वॉशेबल चीज़ होती है। और अगर इसमें आपको जैसे कम रेट में चाहिए तो इसमें डाउन प्राइस में भी आती है जूतियाँ बहुत, जैसे ये डाउन प्राइस में आती है, इसमें थोड़ा सिंथेटिक मिक्स होता है, इसमें प्योर लेदर नहीं होता, थोड़ा लेदर थोड़ा सिंथेटिक मिक्स होता है, इसकी रेट लो पड़ती है काफ़ी। कितने? 300 के आसपास आती है ये, मतलब 300 रुपये में ये जूती। हाँ। साइज वगैरह सारे अवेलेबल है, सब साइज। और एक चीज़ बताओ, जैसे कोई ये वीडियो देख रहा है भारत कोरियर कर दोगे आप राजस्थान, राजस्थान में जयपुर कोरियर कर दोगे? ठीक है, अगर आप मतलब ये कोई भी आपको आइटम पसंद आ रहा है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप कोरियर के थ्रू ये जो भी आइटम आपको पसंद आ रहा है वो मंगवा सकते हैं। बाकी जूती में और थोड़ा हाई रेंज में दिखाओ, स्टार्टिंग रेंज क्या थी जूतियों में अपने? 300 थ्री हंड्रेड हाई रेंज में चाहिए तो हाई रेंज में भी है जूतियाँ, दिखाएं सर, दिखाओ उनको हाई रेंज और पहनने में मतलब बहुत ज़्यादा कम्फर्ट हो। ये जैसे ये 700 तक आती है जूती, जूतियाँ तो उसमें सर 1500-2000 तक भी आती है, लेकिन वो फिर क्या है वो अलग ही जूतियाँ आती है, वो क्या है अलग कैसे मतलब फैंसी अलग जैसे जैसे ये आती है दूल्हे के लिए, ये 2500 रुपये की जूती है। इसमें ऐसे क्या है जो 2500 रुपये की है? ये महाराणा प्रताप जूती है ये, ओके उसका नाम है महाराणा प्रताप। और ये इसको डेली यूजेस डेली बेस पे नहीं पहनी जाती है, पार्टी वेयर, पार्टी वेयर जैसे अपने पहनते हैं वो पटियाला सूट या पठानी ड्रेस वगैरह उसके ऊपर। पर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो डेली यूजेस में अपन जूती पहनते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसमें जैसे ये चीज बहुत शानदार आती है, ये ट्रेडिशनल जूती है, ये 750 की रेट में आती है, इसमें और भी कलर डिजाइन है बहुत आते हैं।
देखिए यहाँ की बनी हुई कोल्हापुरी चप्पलें आती है, बहुत फेमस आती है, ये सब ट्रेडिशनल आइटम आते हैं कोल्हापुरी आइटम में। प्योर लेदर आता है ये, MRP 350 ओनली सर, ये सब 250 की रेंज में आएंगे ये कलेक्शन जो भी है। और ये वाला सर, ये 300 का है सर पूरा रैक। हाँ सर ये 300, ऊपर ऊपर ये 300 में है, ये जेंट्स वाली अलग है। अच्छा, ये 350 की रेंज में है, जेंट्स आइटम बहुत है। बाकी भैया अपनी शॉप का एड्रेस बता दो और अपना फ़ोन नंबर बोल दो अगर कोई मंगवाना चाहता होगा तो। सर एड्रेस तो मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ। हाँ सर, अपना कार्ड है, अजीम लेदर हाउस के नाम से बोल दो, ये मेरा कार्ड ले लो सर, नंबर भी दोनों लिखे हुए हैं सर मेरे। धर्मानी नहीं सर, ये वाला अशोक बगनानी, अशोक बगनानी 7727841418। बिल्कुल ताज होटल के जस्ट बगल में जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। बाकी क्वालिटी इनकी मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अब इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, वहाँ पे मार्बल की छोटी छोटी सी आर्ट क्रिएट करते हैं। और उसके बाद में एक पेंटिंग का कलेक्शन है, वो अंकल बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं गाइस, मेरे को बहुत अच्छा उनका मतलब आर्ट लगा। तो वहाँ पे जाके अपन चेकआउट करते हैं कैसा क्या है सब कुछ। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना, लाल कलर का बटन दबा के बेल आइकन दबाना जिससे आपके पास में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो गाइस यहाँ पे पुष्कर रोड पे अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, एक छोटी सी शॉप है पर कला इतनी बड़ी है, मतलब सोच से भी बहुत ऊपर। छोटी सी ये देखो मार्बल से आर्ट बनाई हुई है। तो बता कौन सी चीज कितने रुपए की है, देखो बनाना आती है सारी चीजें। हाँ भैया। ये बना देगा ऐसा कुछ? हाँ भैया। देखो कितनी प्यारी प्यारी आर्ट बना रखी है, बता कौन सा कितने रुपए का हाथ में। ये भैया 5.5 क्या 1,500 रुपए की जोड़ी है, ये 3,500 का है, ये 2,400 रुपए का है, ये 2,650 का है, ये 2,800 का है। और ये? और ये छोटी कॉस्ट में लोगों थे, ये 550 का, 400 का, 650 का, जैसे जैसे लोगे वैसी वैसी कॉस्ट में। अच्छा ये वाला ये कितने का है? ये भैया जी 150 रुपए का है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? दो दिन। अभी थोड़ा सा बहुत सामने हमारे सामने फिनिशिंग करके दिखा सकते हो किसी चीज की? घर पे फिनिशिंग करते हैं। घर पे करते हो? अच्छा अच्छा। और ये? ये 100 रुपए। सबसे ज्यादा टाइम किस चीज को बनाने में लगता है? सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगा, मतलब जितना बड़ा होगा उतना टाइम लगेगा, जितना काम जैसा पत्थर हो जितना बड़ा काम फिनिशिंग के हिसाब से टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें भी लगता है ऐसे ऐसे। ये वैसे बहुत अच्छा बना रखा है, ये कितने रुपए का? भारी कितना यार, तुझसे तो उठेगा नहीं। अच्छा अंग्रेज वगैरह आते होंगे बाहर से लेने के लिए? अंग्रेज भी आते हैं। ऑर्डर पे भी बनाते हैं। तो फोन नंबर वगैरह बता दे अपना, कोई ऑर्डर पे बनवाना चाहे तुझे ऐसा कोई। मेरा नंबर ले लो, बताओ 9758100। कोई भी आर्ट अगर आपको पसंद आ रही है तो भैया को कॉल करके, व्हाट्सएप पे है नंबर? व्हाट्सएप पे है ये नंबर। कोई भी आर्ट अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इनसे क्रिएट करवा सकते हो, मेरे नाम से थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना अगर कोई कॉल करे तो। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं गाइस थोड़ा पेंटिंग वगैरह के मार्केट में और वीडियो को अपन करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे अगर आपको कोई भी आर्ट पसंद आ रही है तो भैया को सीधा कॉल करो और फोटो व्हाट्सएप करो, देन आप अपनी आर्ट यहाँ से ले सकते हैं। कोरियर कर देना अगर कोई दूर से मंगाए तो, कोरियर फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। तो एक छोटे से बच्चे की आर्ट को अपन कवर करने के बाद में आए यहाँ पे, पेंटिंग शॉप है यही पुष्कर रोड पे। ये अंकल पर्सनली मेरे को मतलब इतने अच्छे आर्ट बनाने वाले लगे, मैंने नहीं देखे अपनी लाइफ में ऐसे, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने आर्ट बना रखी है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो काफी मार्केट वाले सब लोग परेशान है, तो पूरा ऐसे चल रहा है कि आधे से मंदिर तो बंद हो गए हैं, बट ये अभी हमारे यहाँ पे खुला है मंदिर, तो काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। और इनकी पेंटिंग की बात करें तो ये खुद ही बताएंगे अपने मुंह से, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी इनकी पेंटिंग। ये देखो ये पेंटिंग बनाने में आपको कितना टाइम लगा होगा?
ये सर पेंटिंग समथिंग 12-13 या 15 दिन लगते हैं इसको बनाने। 15 दिन एक पेंटिंग में बनाने ये हैं। जितना बारीक काम होता है ना पेंटिंग में उतना समय ज्यादा लगता है। ये देख रहे हो इस तरीके की पेंटिंग। बाकी आप 3D पेंटिंग उस टाइप की मेरे को दिखा रहे थे पहले आपने वो दिखाई। 3D जैसे वो लग रहे थे ना। हाँ ये 3D है। इसको बनाने में कितना टाइम लगता होगा? इसमें 3 दिन लगते हैं। 3 दिन लगते हैं। 3 दिन 4 दिन मतलब जितना भारी काम होता है ना उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ज्यादा मोटा काम होता है उसमें टाइम कम लगता है। जैसे ये है ये देखो इधर ये गाँव का सीन है विलेज सीन। हाँ ये 1 दिन का काम है। ओ अब ये 1 दिन काम में क्या ये बड़ी प्रोसेस चलती है एसी वाली। ये बड़ी प्रेस चलती है। जल्दी 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 काम हो जाता है। अच्छा। और इसमें क्या ये बिल्कुल बारीक ब्रश चलती है बिल्कुल नॉर्मल। जितना टाइम ज्यादा लगता है उसे पेंटिंग वो क्या जो अंग्रेज लोग आते हैं तो वो बारीक काम ज्यादा पसंद। अच्छा। तो सबसे ज्यादा किस पेंटिंग को बनाने में टाइम लगा है वो वाली मैं आपको यहाँ पे पेंटिंग दिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप लाइक जरूर करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग आपको अंदर भी दिखाने वाला हूँ। अंदर पूरा पेंटिंग का इनके पास में कलेक्शन है। और पेंटिंग जैसे किसी को कोई पसंद आ रही है तो आप कोरियर कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। और एक चीज और हाँ कि जो स्केच है जैसे मैं आपको अपना कोई फोटो सेंड करूँ उसका आप पेंटिंग भी बना दोगे? हर चीज कोई भी XYZ मतलब इनका तो इतना है कि सामने कोई बंदा बैठता है ना 2 घंटे तो उसको ये तस्वीर में उतार देंगे। मतलब इतनी अच्छी आर्ट है इनकी। तो अपन अंदर चलते हैं और अंदर काफी सारे पेंटिंग्स देखते हैं। अपन अंदर चले अपन अंदर सारे पेंटिंग्स देखते हैं। तो वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना, एक भी आर्ट मिस मत करना। ये देखो कितनी मतलब एकदम लग्जरी शॉप लग रही है। वाह इसकी स्टोरी बता रहे थे ना कि किसी फॉरेनर को पसंद आ गई थी। अभी भी पसंद है उसको। कितना लगा दिया? 3 लाख रुपए लगा दिए इसके। 3 लाख रुपए लगा दिए इसके। अभी भी चाहे तो हम दे सकते हैं उसको। अभी भी दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन हम इसकी पूजा करते हैं, फर्स्ट टाइम की पेंटिंग है इसलिए बेचते नहीं इसको। उसको बोल दिया भाई दूसरी बना के आपको सेम ऐसी बना के दे दे। लेकिन वो मानता नहीं। सेम ऐसी चीज बनाएंगे तो 19-20 का तो फर्क आएगा। ये आपकी पहली पेंटिंग है? पहली नहीं, ये दुकान शॉप लगाई ना तब आपकी 36-37 साल आपने ये लगाई। 37-38 साल पुरानी पेंटिंग है। अब उसको दिमाग में ये एक तरीके से तो गणेश जी विराजमान हो गए यहाँ 37-38 साल तक। हाँ तो आजकल के ट्रेडिशनल मंदिरों में इतनी पुरानी मूर्ति नहीं होती जितनी 37-38 साल। दूसरी चीज बिल्कुल हम और वैरायटी दुनिया भर की वैरायटी दिखा चुके हैं। लेकिन वो यही लूंगा उनको। और ये चीज देते नहीं हम। कोई चीज पसंद है देने की नहीं। हम पूजा करते हैं इसकी, इसीलिए नहीं देता। सेम दूसरे पेंटिंग के आर्टिकल दिखाओ अंकल आप, अच्छे अच्छे से आर्टिकल दिखाओ। वैसे सारे अच्छे हैं पर थोड़े यूनिक दिखाओ जिससे कम टाइम में अपन सारा कवर कर पाए। देखो एक तो ये चीज है बिल्कुल सस्ती चीज है। ये सबसे कॉमन चीज हो गई, सबसे सस्ती कॉमन चीज है। ये किस रेंज में है? ये 350 का पूरा। ये कोई भी एक ले। हाँ, इसमें से कोई एक लो। अच्छा, एक बार आप सारे आर्टिकल देख लो, कोई भी आर्टिकल मिस मत करना। अगर आपको कोई भी पसंद आ रहा है तो आप इनको कॉल करें। अपना फोन नंबर वगैरह कार्ड होगा ना अपने दुकान का, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक आप ये आर्टिकल चेकआउट करो सारे। ये तो अपने लिए है 350, अंग्रेजों के लिए अलग भाव। पर कोरोना में अंग्रेज कहाँ आ रहे हैं? ये तो हमारा धंधा खत्म हो गया भाई साहब, बिल्कुल खत्म हो चुका है धंधा, कुछ नहीं है अभी। एक बारी काम में बताता हूँ आपको। दिखाई दे रहा है अभी ये है बारीक काम। हम्म,
ये गणेश जी है, अलग अलग वेराइटी है गणेश जी की। ये किस रेंज में? ये सर अपने आदमियों को तो 1500 रुपए में बेचते हैं। अच्छा, उनके लिए अलग भाव है। अब इसमें समय समथिंग 3-4 दिन एक पेंटिंग में लग जाता है। अच्छा, इसमें टाइम ज्यादा लगता है? 4-5 दिन? 7-8 दिन? 7-8 दिन? 7-8 दिन लग जाता है। अब ये 3000 की सेल का है। अब इसमें जैसे ये गणेश तो दिखा दिया, इसमें बड़ी भी साइज मिल जाएगी, छोटी भी साइज, जैसे भी चाहो वैसी साइज मिल जाएगी। अब बाकी आप ऐसी कोई पेंटिंग दिखाओ ना, जैसे किसी कस्टमर की आपने स्केच बनाया हो, उनका खुद का दिया हुआ। स्केच नहीं है भाई, सब फोटो में बनाते हैं जो वो ले जाते हैं। हाँ, वो रुकता नहीं होगा जो ऑर्डर देंगे, जो ऑर्डर देता है वो फोटो। अभी तो साल भर हो गया, तो अभी तो कोई हमारा काम है ही नहीं है। नहीं तो कोई कस्टमर आते हैं, बिल्कुल धंधा खत्म, एक तरह से खत्म हो गया। इस कोरोना में टूरिस्ट लाइन जो है ना, वो इतनी पिट गई है, सब बेरोजगार हो गए। सब बेरोजगार हो गए, क्यों? कोई आएगा ही नहीं तो कौन लेगा? पर ऑनलाइन काम तो चल ही रहा है। जैसे अब जो भी वीडियो देख रहा है, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि अंकल के आर्ट को प्लीज सपोर्ट करें। कोई भी आपको आर्ट पसंद आ रही है तो आप इनको व्हाट्सअप करें और इनसे ऑर्डर पे मंगवाए, और वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि सब मार्केट में सब लोग परेशान है, तो क्यों ना किसी को बिजनेस मिले यार। ये देखो आर्ट कितनी प्यारी प्यारी आर्ट बना रखी है। ये भी एक राजस्थानी सब्जेक्ट है, इसमें डोली वगैरह सब मिल जाती है। ये कितने की होगी? ये 800 की। 800 की बहुत कम रेट है। अब इसमें थोड़ा बड़ा काम आ गया ना। बाकी अंकल एक बात, इसमें काम के हिसाब से पैसा लग, यही काम है ना। अब आप वो देख रहे हो वो पीछे, ये सेम ऐसा ही है ना। पर ये बहुत महंगा। अब ये महंगा, ये 4000, ये 4000 रुपए की चीज दिखाई दे रहा है। एक एक चीज इसमें, ये 3D आ रही है ना, ये चीज ऐसी लग रही है कि कटिंग में आपने अलग से कपड़ा काट के चिपका है। जितना बारीक काम होगा ना, ये मतलब इस तरीके से लग रहा है ना कि कपड़ा काट के चिपका है, पर ये एकदम 3D पेंटिंग है। इसकी कॉस्ट क्या होगी? ये जो है 4000 रुपए। देखो, और इसकी फ्रेमिंग का क्या रहता है? फ्रेमिंग तो जो बंदा ले जाता है वो करवाता है। फिर भी कितना, लगभग कितने की बैठती होगी? जैसे प्लास्टिक का करवाओ तो नॉर्मल है। अच्छा। सस्ती सुंदर बिल्कुल 70-80 रुपए की हो जाती है। शीशे का थोड़ा महंगा रहता। लगभग शीशे का तो जैसे साइज के हिसाब से पैसा लगता है। अच्छा, बाकी एक चीज बताओ, सबसे बारीक पेंटिंग दिखाओ जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा हुआ आपको। ये है ना भाई साहब, ये एक सैंपल। तभी और दिखा देता हूँ। वैसे इसको टाइम करने में, इसको तैयार करने में कितना दिन लगा था? इसमें तो भाई साहब एक साल, साल भर से भी ज्यादा। हाँ, साल भर से भी ज्यादा। इसके तो 3 लाख रुपए भी कम है अब तो। अब भाई साहब 3 लाख क्या, आप 10 लाख भी दे देते हम तो देने की चीज है ही नहीं है, तो देते ही नहीं है। मेन चीज ये पेंटिंग, तो भाई साहब जैसी चाहो वैसी। अब पेंटिंग में समय कितना ही लगाओ, पेंटिंग का कभी एंड नहीं होता। एंड नहीं होता, काम किए जाओ, काम किए जाओ, काम किए जाओ, महीनों लगाओ। एक चालू काम है, ये चीज है, अब मैं 2 दिन में बना सकता हूँ, लेकिन ये चीज थोड़ी बनेगी, फिर 2 दिन का ही काम होगा उसमें। अच्छा, बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। अब इस काम में ये भी है, वो भी राधा कृष्ण है, ये भी राधा कृष्ण। जल्दी हुआ काम है, ये जस्ट हाफ प्राइस में होगा। ये 1300 रुपए की। हाँ, और यही चीज वो देखो, उसको देख के मतलब है ना, ऐसा लग रहा था कि वही मन नहीं भर रहा इसको, तो देखते जाओ। और ये वाली चीज कुछ टाइम के लिए ठीक है, बट जितना पैसा आप खर्च करोगे उतनी अच्छी आपको आर्ट मिलेगी। मेहनत का तो पैसा लोगे ना, 10 दिन मेहनत के तो 10 दिन का पैसा बनता है ना, 1000 रुपए पर डे के हिसाब से। और बाकी काम मटेरियल अपना पेंट हो गया, ये जो पेपर है, ये पेपर कौन सा यूज करते हो?
ये अलग अलग है, ये तो सिल्क का कपड़ा है। अच्छा सिल्क का सिल्क कपड़ा पे है, कॉटन पे है, पेपर पे है। ये वाला कॉटन पे होगा? हाँ वो वाला कॉटन पे। बाकी इसकी लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा दिन अपन लगा के रख दे तो कुछ खराब हो? फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं, आज इस पेंटिंग को देख लो, आपने बोला 35 साल हो गए विदाउट फ्रेम है, अब भी ऐसी लग रही है कि बिल्कुल न्यू विदाउट फ्रेम है ये, तो क्या बिगड़ा इसका? और हमारे तो जितनी भी ओल्ड चीजें होगी तो उतने पैसे ज्यादा बढ़ जाते, उतने ज्यादा बढ़ जाते। अंग्रेज पुरानी चीज ज्यादा पसंद करते हैं। तो वीडियो को खत्म करें, काफी सारा कलेक्शन है, मतलब वीडियो बनाएंगे कलेक्शन तो बहुत है हमारे पास, कलेक्शन की कोई कमी कोई नहीं है, कमी नहीं है। व्हाट्सएप वगैरह पे नंबर है अपना, कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखा दो अपना, ये चेकआउट करो, ये है अपने, ये तो फेसबुक पे भी आई थिंक, ये इसका एड्रेस हो गया। अगर आप खुद पुष्कर में आते हैं तो सीधा आप इस एड्रेस पे आइए, ये देखो गणेश आर्ट। बाकी ये इनका फोन नंबर है, ये मेरा खुद का, मैं पेंटिंग का काम मैं खुद कर रहा हूँ, वो पीछे है मेरे बॉस के नंबर। आप इनसे ना डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप खुद इनको इस नंबर पे कॉल करें 9928171944। बाकी ये नंबर व्हाट्सएप पे, आप कोई भी आर्ट अपनी सेंड करना चाहते हो कि सर हमको इस टाइप की बना के दो, तो आप इनको थोड़ा आइडिया दें व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करके, और ये आपको टाइम देंगे भाई हम इतने टाइम में तैयार कर देंगे, तो कुछ इस तरीके का आपका होगा, फिर आप अपनी आर्ट ले सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मेरे तीनों वीडियो आपने एंजॉय किए होंगे। वीडियो को खत्म करते हैं इसी के साथ में और आगे अपन पुष्कर का मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। कैसा लगा हमसे मिलके? धन्यवाद, हाँ मिलके बहुत धन्यवाद। हमारी कला थोड़ी बहुत बाहर जाएगी, देखेंगे लोग, तो हो सकता है कुछ हमारी प्रोग्रेस हो जाए। तो आप एक बार इसमें ऐसे बोलो कि मेरे वीडियो का आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ मैं तो यही बोलता हूँ, मेरे वीडियो का जो इस दुकान का वीडियो है, मेरी खुद की वीडियो, मेरी खुद की पेंटिंग बनाई है, उसको लोगों तक पहुँचाए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखे और हमारे कस्टमर बढ़ाए। मतलब ऐसी आर्ट है, इतनी अच्छी आर्ट बना रहे हैं इन, मैंने इनको बोला कि आप शेयर करने के लिए बोलो, पर ऐसी कोई बात नहीं, मतलब इनकी आर्ट ही इतनी प्यारी है यार, आप खुद शेयर करोगे वीडियो को। तो खत्म करते हैं गाइस इसी के साथ में वीडियो, और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गाइस बाय।